हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अंडा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से 227 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कुल 227 वैकेंसी आई हैं और इन सभी 227 वैकेंसियों को 7 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें जो सबसे पहली कैटेगरी में पोस्ट है वो है डेप्यूटी चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए। इस पोस्ट के लिए दोस्तों कुल 2 वैकेंसी आई है और यहाँ जो आपका इनिशियली बेसिक पे रहेगा वो 47,600 रूपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीकॉम कर रखी है फर्स्ट डिवीजन से, प्लस में चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कर रखी है और कैंडिडेट के पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, साथ ही कैंडिडेट ने 10वीं में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखी हो और कैंडिडेट के पास एमएस ऑफिस की नॉलेज एसेंशियली यहाँ मांगी गई है। अगर ये सारा क्राइटेरिया कोई कैंडिडेट फुलफिल करता है तो वो यहाँ पे डेप्यूटी चीफ अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं सीनियर अकाउंट ऑफिसर की, कुल 9 वैकेंसियां हैं। यहाँ जो आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा वो 47,600 रूपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीकॉम कर रखी है फर्स्ट डिवीजन से, प्लस में चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखी है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर कैंडिडेट ने बीकॉम कर रखी है फर्स्ट डिवीजन से, प्लस में ICWA कर रखी है कैंडिडेट ने और उसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट के पास 10वीं में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट है और कैंडिडेट को एमएस ऑफिस की नॉलेज है। तो अगर ये सारा क्राइटेरिया कोई कैंडिडेट फुलफिल करता है तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ सीनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तीसरी कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, कुल 8 वैकेंसियां हैं। यहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो इनिशियल बेसिक पे रहेगा वो 44,900 रूपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने एमकॉम कर रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर कैंडिडेट ने बीकॉम कर रखी है और उस कैंडिडेट को 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट के पास पंजाबी एज ए सब्जेक्ट है मैट्रिकुलेशन लेवल तक, उसके अलावा कैंडिडेट को एमएस ऑफिस की असेंशियल नॉलेज यहाँ पे है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चौथी कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की, कुल 62 वैकेंसियां हैं। यहाँ जो आपका इनिशियली बेसिक पे रहेगा वो 35,400 रूपए रहेगा और इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीकॉम कर रखी है फर्स्ट डिवीजन से, कैंडिडेट के पास ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट ने पंजाबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ी हुई है मैट्रिकुलेशन में, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पांचवी कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर की, कुल 18 वैकेंसियां हैं। यहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो इनिशियली पे रहेगा वो 35,400 रूपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हों सेकंड डिवीजन से और कैंडिडेट ने 1 साल का मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, या फिर कैंडिडेट ने एमबीए कर रखी है मार्केटिंग में, कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट है, कैंडिडेट से यहाँ एमएस ऑफिस की असेंशियल नॉलेज मांगी गई है। अगर ये सारा क्राइटेरिया कोई कैंडिडेट फुलफिल करता है तो यहाँ पे असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छठी कैटेगरी में वैकेंसियां हैं असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की, कुल 67 वैकेंसियां हैं। हाँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका इनिशियल पे जो रहेगा वो 25,500 रूपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है सेकंड डिवीजन से, कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट है, कैंडिडेट को एमएस ऑफिस की नॉलेज है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट कैटेगरी में वैकेंसियां हैं सेल्समैन की, कुल 61 वैकेंसियां हैं। यहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका इनिशियल पे जो रहेगा वो 19,900 रूपए रहेगा। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो सेकंड डिवीजन से, कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट हो और कैंडिडेट को एमएस ऑफिस की नॉलेज हो, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ सेल्समैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ दोस्तों जो आपके सारे डॉक्यूमेंट सारे सर्टिफिकेट और कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी वो 12 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फीस 600 रूपए रखी गई है और उसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फीस 1200 रूपए रखी गई है। इन सभी पोस्ट पे दोस्तों 18 से 37 साल के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और यहाँ जो क्रूशियल डेट रहेगी जिसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की उम्र काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 रखी गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ अपर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग एससी एसटी और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ कुछ कैटेगरियां हैं जिनको अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जिनकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।
यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होगा। इसी रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट पे ना तो कोई इंटरव्यू ना ही कोई सेकंड फेज का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ जो रिटर्न टेस्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होगा। ये रिटर्न टेस्ट जो होगा वो कुल 100 नंबर का होगा। इस पेपर में कैंडिडेट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और ये टेस्ट जो होगा दोस्तों वो MCQ टाइप टेस्ट होगा। यहाँ दोस्तों इन्होंने इस नोटिफिकेशन में रिटर्न एग्जाम का सिलेबस बताया हुआ है। इस सिलेबस में इन्होंने दो कैटेगरी बताई है जिसमें की जो पहली कैटेगरी में सिलेबस है वो सेल्समैन की पोस्ट के अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरियां हैं उनका सिलेबस है और जो दूसरी कैटेगरी में बताया गया है वो सेल्समैन की पोस्ट का एग्जाम सिलेबस है। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी हैं और आप 12 अप्रैल 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ जो बैंक चालान के थ्रू फीस पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है वो 16 अप्रैल 2021 रखी गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।